मॉर्निंग सर। सर आज आपसे एक सवाल पूछने थे, क्या आप कुछ ऐसा तरीका बता सकते हैं जिस तरीके से हम अपनी बातें लोगों से मनवा सकें, दूसरों से अपनी काम जो हम चाहते हैं वो करवा सकें? कुछ ऐसे टेक्निक क्या होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोगों को समझ सकें, उनसे अपनी काम करवा सकें जो हम चाहते हैं, कभी बहस ना हो? ऐसे कुछ टेक्निक है तो सर हमें बताइए, क्योंकि ये हमें लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इससे हमें अपने काम करवाने में मदद मिलेगी। सर गुड मॉर्निंग बच्चे, और आपका जो सवाल है इस पे, ठीक है आज हम इसी पे बातें करते हैं कि हम दूसरों से अपना काम कैसे करवा सकते हैं, दूसरों से हम कैसे हेल्प ले सकते हैं बिना दूसरों से लड़े हुए, बिना झगड़े हुए, इसी पे आज हम लोग बातें करते हैं। बच्चे जब इंसान जन्म लेता है और जब तक वो आखिरी सांस लेता है, इसके बीच में इंसान सिर्फ़ और सिर्फ एक ही क्रिया करता है। वो क्या करता है कि अपने आइडिया सामने वाले को देता है और सामने वाले का विचार, सामने वाले की आइडिया खुद लेता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम क्या करते हैं कि अपना काम सामने वाले से करवाते हैं और सामने वाले जो आदेश देता है उसे हम करते हैं। अब इस कला में कुछ लोग होते हैं कि बहुत माहिर होते हैं, वो कैसे भी लोग दे दीजिए, कैसा भी ग्रुप दे दीजिए, उसमें वो अपना काम करवा लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि इस काम में परफेक्ट नहीं होते हैं, अच्छा तरीके से लोगों से काम नहीं ले सकते हैं। तो बच्चे आज का जो समय है, इस समय में अगर आप काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप काम करवा सकते हैं किसी से तो ये आपकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा कर देती है। क्योंकि आज के समय में वैसे लोगों को कंपनी बहुत ज़्यादा रखती है जो लोगों से काम ले सके बिना उन्हें तकलीफ़ पहुंचा हुए, बिना उन्हें दुख दिए हुए। तो ऐसे लोगों को कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में सेलेक्ट करती है। तो हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी ही चाहिए कि हम लोगों से कैसे काम करवा सकते हैं, कैसे लोगों से हेल्प ले सकते हैं। तो इसके लिए बाबू हम लोग को क्या है कि कुछ समझना पड़ेगा, कुछ कुछ इंसानों का व्यवहार को समझना पड़ेगा। तो आज हम एक एक करके टॉपिक पे इस पर बातें करते हैं। जी सर प्लीज़, क्योंकि ये टॉपिक मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मेरे अंदर वो क्वालिटी आएगी कि लोगों से हम कैसे समझें, लोगों से कैसे काम करवाएं और बिना किसी से मन मुटाव, बिना किसी से लड़े हुए अपना काम करवाएं। तो इसके लिए प्लीज़ सर मुझे बताइए। तो बच्चा पहला टॉपिक है कि कभी भी आप किसी से बहस ना करें, आप दूसरों से तुरंत सहमत हो जाएं। जैसे ही आप सहमत होते हैं, आधा से अधिक आपकी समस्या वहीं पे ख़त्म हो जाती है। जैसे मान के चलिए कि आपके दोस्त ने कहा कि ये चीज़ सही है, आप कहते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो फिर क्या होगा कि ये चीज़ें बहस बहुत ज़्यादा होने लगती है। इस स्थिति में क्या होगा कि आप अपने काम को नहीं करवा पाएंगे अपने दोस्त से। तो सामने वाला जब भी बात करे तो आप कोशिश कीजिए कि उससे सहमत हो जाए। सहमत होने का मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप अपने जगह पे सही हैं, फिर भी अगर सामने वाला कुछ कह रहा है जो आपके नज़रों में गलत है, फिर भी आप सहमत हो जाता है कि हाँ आप सही हैं, लेकिन आप सही हैं सर, लेकिन एक चीज़ है कि अगर ये काम इस तरह से हो तो और ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मान के चलिए कि आपके दोस्त ने कोई गड़बड़ काम किया है और वो कहता है कि नहीं हमने अच्छा काम किया है, तो अगर आप कहें कि नहीं तुमने बहुत ख़राब काम किया है, तुम घटिया इंसान हो, तुम्हें काम करने का तरीका नहीं पता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका दोस्त आपसे नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि उसकी ईगो को बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगा। और जब उसकी ईगो को चोट लगेगा तो वो क्या करेगा कि वो आपके अंदर कमियाँ खोजने लगेगा, तो फिर आप और वो दोनों आपस में लड़ बैठेंगे, तो आप उससे कभी भी कोई काम नहीं ले सकते। तो इसलिए
आप जैसे ही सहमत हो जाते कि हाँ आपने सही किया है, लेकिन अगर आप काम को ऐसे करते, ये तरीका से करते तो और ज़्यादा अच्छा होता। तो ऐसे जब हम बातें करते हैं तो सामने वाले को लगता कि हाँ पहले इस इंसान ने हमें एक्सेप्ट किया है। अब क्या है कि उसके अंदर अगर हमें हमारे अंदर कोई कमियां भी बता रहा है तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही हम उसके मुंह पे अगर बुराई कर देते हैं, अगर उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं उसके चेहरे के सामने ही, तो इंसान को तुरंत बुरा लगेगा। तो अगर आपको किसी दूसरे इंसान से कोई काम करवाना है तो कभी भी सामने वाले की बुराई ना करें, पूरी कोशिश करें कि आप उसकी प्रशंसा करें, और प्रशंसा करने के बाद अगर उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को बताएं, तब उसे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अचानक अगर आप उसकी बुराई करेंगे तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। जी सर, ये तो समस्या मेरे साथ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं तो अपने दोस्तों को बुरा भला ही कहते रहता था, हमेशा उनके अंदर कमियां निकालता था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। हाँ बच्चे, इसलिए हमें क्या करना है कि सामने वाले की तारीफ़ करना है, ना कि बुराइयाँ करना है। दूसरा टॉपिक है बच्चे कि अगर आप चाहते हैं कि लोगों का ध्यान आपकी ओर आए, लोग आपसे बात करने के लिए प्रेरित हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको लोगों का इंटरेस्ट समझना पड़ेगा कि उनकी इच्छा क्या है, उन्हें चाहिए क्या। अगर आप अभी कहीं पे स्पीच दे रहे हैं, अगर वहाँ पे यंग लोग हैं, तो अगर आप जॉब के बारे में बातें करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई छात्र है जिसे मैथ, कोई ग्रुप है जिसे मैथ बहुत पसंद है, तो वहाँ अगर आप मैथ सब्जेक्ट के बारे में बातें करेंगे, एग्जांपल देंगे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। कोई आपका दोस्त अगर उसे क्रिकेट पसंद है, तो कोई भी एग्जांपल अगर क्रिकेट के तौर पे देंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जब दूसरों से सहमत हो जाते हैं, दूसरों के अंदर जो इच्छाएं होती हैं, उस इच्छाओं के बारे में जब हम बात करते हैं, लोग हमसे प्रभावित होते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बहुत अच्छे से हो, आपके दोस्त आपकी बातें माने, तो आपको इस लिए सिंपल सा एक काम करना पड़ेगा कि उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी जो इच्छा है, उसके बारे में आप बातें कीजिए। अगर दोस्त को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट के बारे में बातें कीजिए, दोस्त को फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल के बारे में बातें कीजिए। तब वो ये समझते हैं कि आप उन्हीं के ग्रुप का एक हिस्सा हैं और वो आपकी बातें मानेंगे। भी हमने आपको पहले क्या कहा बच्चे कि कभी भी किसी के अंदर बुराई नहीं बतानी चाहिए, तो क्योंकि उसके ईगो को चोट लगता है। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक अदालत में जज और वकील के बीच में बहस हो रहा था। तो जज ने किसी खास नियम के बारे में चर्चा की, तो वकील तुरंत कहा भरी कोर्ट में कि सर आप गलत हैं, ये नियम ऐसे नहीं, ये नियम ऐसे हैं। तो जज को ईगो को चोट लगा, तो इसका परिणाम ये हुआ कि वकील जीता हुआ केस हार गया। यहाँ पे कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर वकील को पता भी चल जाता कि जज अगर गलत है, अगर जज को अकेले में ले जाकर या फिर कभी लंच के समय कहता कि सर ये नहीं ऐसे होना चाहिए, तो जज को तुरंत बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर इंसान के अंदर ईगो होता है, और जैसे ही उसके मुंह के सामने, जैसे ही उसके फेस के सामने हम उसकी बुराई करते हैं, वैसे ही इंसान की ईगो को चोट लगता है और वो अपने ईगो को बचाना चाहता है। तो आप अगर किसी दूसरे से काम करवाना चाहते हैं तो भूल के भी उसके ईगो को चोट ना पहुंचाइए। और अगर मान के चलिए आपके दोस्त से कोई गलती हो भी जाती है, तो जो गलती होगी वो तो दोबारा सही हो नहीं सकती है, उसके लिए उनको कितना भी दोषी दे दे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि दोस्तों के साथ मिल के काम करें, किसी की गलती ना बताएं, और उनके अंदर जो खूबियां हैं उस पर चर्चा कीजिए। इस तरह से क्या हुआ कि आप बहुत ही, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपके साथ रहना पसंद चाहेंगे। क्योंकि इंसान क्या होता है, जितने भी हम आप इंसान हैं, हम चाहते हैं कि अच्छी चीज़ों के साथ रहें और बुरी चीज़ों से दूर रहें, ये हमारा नेचर होता है।
इसलिए कचरे के सामने आप कितने देर तुरंत वहाँ से भागना चाहेंगे नाक बंद करके, लेकिन कहीं अगर बागीचा है जहाँ से फूल की अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है वहाँ पे आप क्या कहेंगे, वहाँ पे लंबे समय तक आप रुकना चाहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों से काम करवा सके, दूसरे आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि लोग आपके ओर आकर्षित हो, तो इसके लिए आपको चाहिए बाबू कि आप ऐसे इंसान बनिए जो लोगों को खुशी दे ना कि दुख दे। जब भी लोग आपके पास से गुजरे तो खुशी से भर जाए ना कि दुख से भर जाए। अगला टॉपिक है बच्चे कि आप कभी भी किसी के अंदर अगर किसी से काम आपको करवाना है तो आप ये सोचिए कि आप उस इंसान के जगह पे रहते तो क्या सोचते इस चीज़ को लेके, तो आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। जैसे मान के चलिए कि आपको आपके पिताजी से कोई गिफ्ट मांगना है, अब यहाँ पे क्या है कि आप ये सोचिए कि आपके अगर आप अपने पिताजी के जगह पे आप रहते हैं, जिस तरह की वो सैलरी अर्न करते हैं, जिस तरह की लाइफ वो जीते हैं, तो क्या आप वो चीज़ें अफोर्ड कर पाते, क्या वो चीज़ें आप अपने बच्चों को दे पाते। तो अगर ये चीज़ें आप सोचते हैं तो आपको दुख नहीं होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, ये करते हैं कि हमारे दोस्त ने अच्छा मोबाइल लिया तो हम अपने घर से जिद कर बैठते हैं कि हमें भी वही मोबाइल चाहिए या फिर हमें भी वही कंप्यूटर चाहिए। यहाँ पे दिक्कत ये बाबू कि आपका और आपके दोस्त का परिवार का लाइफ स्टाइल अलग अलग है, उनके पिताजी हो सके कहीं अच्छी जगह पे हो, तो हमें क्या करना है कि हमें सामने वाले को समझना है। आपको अगर किसी से अपना काम करवाना है, अगर कुछ मांगना है, तो पहले आप ये देख लीजिए कि अगर आप उनकी जगह पे रहते तो आप कैसे रिएक्ट करते। मान के चलिए कि आने वाले फ्यूचर में आप किसी कंपनी के बॉस बनते हैं, आपको अपने कर्मचारियों से काम लेना है, कोई वर्क करवाना है, तो वहाँ पे क्या है कि आप ये सोचिए कि अगर आप कर्मचारी रहते तो क्या ये काम करते, आप कर्मचारी रहते तो आप कैसे डिमांड करते, आप कर्मचारी रहते तो अपने बॉस से आप क्या इच्छा रखते। तो ये जब चीज़ें आप कर्मचारी के तौर पे सोचते हैं तब आपको जवाब तुरंत मिलने लगेगा और आपको कभी तकलीफ़ नहीं होगी। तो आपको अगर दूसरों से अपना काम करवाना है तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि आपको उनकी तरह सोचना पड़ेगा कि हाँ वो क्या सोचेंगे, अगर उनके सामने उनके जगह पे हम रहते तो उस समय हम कैसा रिएक्ट करते, सेम वैसा ही रिएक्ट वो आपके लिए करेंगे। जी सर, मैं तो ये चीज़ समझ गया कि अगर मुझे किसी से काम करवाना है तो मुझे ये सोचना चाहिए कि वो इंसान की जगह अगर मैं रहता तो मैं कैसे रिएक्ट करता, मैं क्या चाहता, वैसा ही बिहेव अगर मैं उसके साथ करूँगा तो उसे ज़रूर अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। बच्चे अगला टॉपिक ये है कि हम क्या होता है कि जब भी एक दूसरे से बातें करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं कि अपनी बातें तो कहते चले जाते हैं लेकिन सामने वाले की बातें नहीं सुनते, ये बहुत गलत बात है। तो आपको एक बहुत बेहतरीन वक्ता बनने से पहले बहुत बेहतरीन आपको श्रोता बनना पड़ेगा, आपको लोगों को सुनना पड़ेगा, लोग क्या कहते हैं उन्हें वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि 95% टाइम हर इंसान अपने बारे में बात करना चाहता है, ये इंसान का नेचर है। कोई भी इंसान आपके बारे में नहीं सुनना चाहता है। तो जैसे ही आप सामने वाले की बातें ध्यानपूर्वक सुनते हैं वैसे ही सामने वाला आपसे खुश हो जाता है, क्योंकि आज के समय में क्या है, कोई भी किसी की बात सुनना नहीं चाहता है। इस युग में हम सभी अपनी बातें सुनाना चाहते हैं लेकिन कोई एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे है बच्चे कि जब आप सामने वाले की बात सुनते हैं तो सामने वाला आपसे बहुत खुश हो जाएगा। एक बार की घटना है कि एक बहुत बड़े लेखक किसी पार्टी में गए थे, तो वहाँ पे एक महिला आई हुई थी। महिला अभी अफ्रीका घूम के ही आई हुई थी, अफ्रीका के जंगलों से घूम के आई थी। तो अफ्रीका के जंगलों से घूम के आने के बाद वो उसकी कहानी उस लेखक को सुनाने लगी। तो महिला पूरे 2 घंटे तक अपनी पूरी कहानी सुनाई और जाते हुए लेखक से ये कह के चली गई कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। तो यहाँ पे इस कहानी का मतलब ये है बच्चे कि हर कोई अपना सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता है।
अगर आप लोगों की सुनते हैं तो लोग आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि हर इंसान कहेगा, सुनेगा आपकी बातें। अगर उनकी बातें आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो लोग आपसे प्रसन्न होंगे, लोग आपके पास रहना चाहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा नियम है बच्चे, बहुत अच्छा ट्रिक है कि अगर आप ना व्यक्तित्व आकर्षित बनाना चाहते हैं, अगर अपनी पर्सनालिटी निखारना चाहते हैं, तो आपको सुनने की क्वालिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी। जी सर, लेकिन मैं तो बहुत बोलने में विश्वास करता था, अब मुझे समझ में आया कि मेरी गलती कहाँ थी बच्चे। और ये भी एक और तरीका है लोगों को प्रभावित करने का, लोगों से अपने काम करवाने का, कि हर इंसान को तारीफ पसंद है, तो जितना हो सके उतनी ज़्यादा तारीफ कीजिए। तारीफ करने से क्या होता है कि लोग आपको एक आकर्षित व्यक्तित्व का समझते हैं, लोग आपके पास रहना चाहते हैं। हर इंसान को तारीफ पसंद होता है। जैसे एक बहुत बड़े राज्य की रानी थी, वो उनका कहना था कि उन्हें तारीफ पसंद नहीं है, तो उनको तारीफ थोड़ा भी पसंद नहीं था। जब भी वो महल में जाती थी तो उनका एक नौकर बहुत ज़ोर से चिल्लाता था कि महारानी आने वाली हैं, सभी सावधान हो जाएं, और महारानी को उनकी तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लाइन बहुत ज़ोर से चिल्लाता था। महारानी ये सुनती थी, और जैसे राज भवन में आती थी तो अपने गले में जो भी हार रहता था वो निकाल के उस नौकर को दे देती थी। तो इस कहानी में से हमें ये सीख मिलती है कि जिन्हें तारीफ सुनना नहीं पसंद है, उन्हें भी तारीफ सुनना पसंद है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कि हमें लोगों की तारीफ़ करनी, जितनी ज़्यादा आप तारीफ़ करेंगे लोग आपके पास उतना रहेंगे, और जितनी ज़्यादा आप बुराइयाँ निकालेंगे लोग उतना आपसे दूर भागेंगे। तो कभी भी भूल के किसी के अंदर बुराइयाँ नहीं निकालिए, हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं, हमें अच्छाइयाँ ही देखनी है। तो बच्चों, मैं आपका काउंसलर सर हूँ, किसी भी तरह की कोई समस्या हो आप हमें कॉल कीजिए, और आप हमें बताइए कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे आप कोई ग्रुप काउंसलिंग चाहिए, हम उस टॉपिक पे बातें करेंगे। और कोई भी समस्या हो बच्चे कभी भी, तो आप हमें कॉल कीजिए, ग्रुप में आपका नंबर है। हम आपसे हर एक इंसान से हम बातें कर रहे हैं पर्सनल काउंसलिंग में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्लासेस चल रही हैं, आप लोग क्लासेस कीजिए, हम सभी आपके साथ हैं बच्चों। थैंक यू।